आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री वशीकरण के चमत्कारी टोटके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। चांदी की पायल को 21 दिन तक अपने मूत्र में, शीशी में या मिट्टी के पात्र में डुबोकर रखें। रोजाना सुबह सुबह मूत्र को बदल दें। इस पायल को राख से साफ करें और किसी युवती को पहना दें। अगर वो इन्हें अपने पैरों में पहन लेती है तो 3 दिनों में आपके लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देगी। दूसरा उपाय, दोनों कटेली, आरजू बेल और गोखरू की जड़ समान मात्रा में लें और उन्हें अपने स्नान में उत्तरा प्रथम जल 4 गुणा करें। इन्हें मिट्टी की थड़ी में लाल कपड़े से ढककर गाय के कंडे से धीमी आंच पर गर्म करें, जब तक चौथाई जल रहे। ये एक शोधक औषधि भी है। इसमें 3 चम्मच के बराबर किसी युवती को अगर पिला दिया जाए तो ताकतवर वशीकरण होता है। तीसरा उपाय है, ढाक के बीजों को लाल कपड़े में बांधकर अपने स्नान के जल में डुबोकर 24 घंटे तक रखें। इसके बाद इसे पीसकर शहद के साथ या किसी मिठाई के साथ किसी युवती को खिला दें, वो आपके वश में हो जाएगी। अगला उपाय है, तुलसी के पौधे की जड़ में केसर गोरोचन की राख, अपने बाल की राख और एक लौंग डालें और 21 दिन बाद इसके कोमल पत्तों को चरणामृत या मिठाई के रूप में अगर आप किसी भी युवती को खिलाएंगे तो वो आपके वश में हो जाएगी। चौलाई के बीजों को रात में पान में लपेटकर अपने मुख में रखें, प्रातः काल इसे मिट्टी में बो दें। इस चौलाई का साग गाय के घी और चावल के साथ किसी अविवाहिता को खिलाएंगे तो वो आपके वश में हो जाएगी। सफेद दुर्वा हरताल को पुष्य नक्षत्र में निमंत्रित करें और धूप दीप दिखाकर बारीक पीसकर लेप बना लें। इसका तिलक लगाने वाला समस्त जग को मोहित कर सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, तुलसी के बीजों को लें सहदेई के रस में पीसकर तिलक करने से जो भी देखता है वो प्रयोगकर्ता के वश में हो जाता है। और अपमार्ग, धान की खोल, सहदेई, इन सब को पीसकर उसका तिलक करें तो कोई भी मनुष्य तीनों लोकों को वशीभूत कर सकता है। और अंत में सबसे बड़ा रामबाण उपाय, कपूर और मेंसिल लेकर केले के रस में पीसें और इसे मंत्र से अभिमंत्रित करें। इसका तिलक लगाने से जो भी साधक इस तिलक लगाता है वो सबको वशीभूत कर सकता है। तो दोस्तों ये तो थे आसान से उपाय। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और क्लिक करें बेल आइकन पर रोचक और भाग्यशाली टोटकों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए भाग्यशाली टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।